दोस्तों, रीएजुकेशन एकेडमी में एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को जानकारी, हम लोग एनसीईआरटी के सेक्शन में इकोनॉमिक्स पर चर्चा कर रहे हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था पर चर्चा कर रहे हैं। और इसी के अंतर्गत हम लोगों ने आज यहाँ पर एक टॉपिक निर्धारित किया हुआ है, खाद्य सुरक्षा। बहुत ही महत्वपूर्ण जो है चैप्टर है, इससे संबंधित निबंध भी पूछे जाते हैं प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा तथा साक्षात्कार में। समान रूप से ये टॉपिक और इससे संबंधित अवधारणाएं महत्वपूर्ण हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग इस टॉपिक के भाव को, इस टॉपिक के अवधारणा को जो है समझने का भी प्रयास करेंगे कि खाद्य सुरक्षा का तात्पर्य क्या है, इसके कारण को जानने का प्रयास करेंगे, प्रभावित पक्षों को जानने का प्रयास करेंगे, खाद्य सुरक्षा आवश्यक क्यों है इस बात को जानने का प्रयास करेंगे, तथा अंत में इस बात को भी देखने का प्रयास करेंगे कि सरकार के द्वारा स्वतंत्रता के बाद से लेकर के अब तक के क्या पहल किए गए हैं। इन सभी बिंदुओं को हम आज के इस लेक्चर में समेटने का प्रयास करते हैं। खाद्य सुरक्षा एक बहुआयामी अवधारणा है। जैसे कहीं कहीं हम लोग ये शब्द सुनते हैं भूखमरी, और कहीं कहीं पर हम लोग सुनते हैं कुपोषण। भूखमरी और कुपोषण, कहीं कहीं पर जो भूखमरी आती है और कहीं कहीं पर जो है कुपोषण। भूखमरी एक ऐसी स्थिति जिसमें लोगों को पर्याप्त मात्रा में भोजन उपलब्ध नहीं हो पाता है, दो टाइम का भोजन सही से नहीं मिल पाता है। और कुपोषण एक ऐसी स्थिति है जिसमें लोगों को पर्याप्त मात्रा में वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, खनिज और इसी तरीके से विटामिन से संबंधित जो फल, दूध, सब्जी की जरूरतें होती हैं, वो सारी पूरी मात्रा में नहीं मिल पाती हैं। अर्थात ये क्वांटिटी को व्यक्त करता है, मात्रा को, और ये गुणवत्ता को व्यक्त करता है। ये दोनों ही भाव खाद्य सुरक्षा में जो है जुड़े हुए हैं। ये किसी भी व्यक्ति को केवल खाद्यान्न की पूर्ति हो जाती है और ये गुणवत्तापूर्ण भोजन नहीं प्राप्त करता है तो भी वो खाद्य सुरक्षा के दायरे में आएगा, और किसी को बहुत अच्छा खाद्यान्न मिल रहा है लेकिन पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल रहा तो भी वो खाद्य सुरक्षा की जो समस्या से ग्रसित माना जाता है। अर्थात खाद्य सुरक्षा एक बहुआयामी अवधारणा है जो इस बात पर बल देता है कि भारत के या किसी भी देश में अगर इसकी बात किया जाए खाद्य सुरक्षा की, तो वहां सभी लोगों के लिए प्रत्येक समय में पर्याप्त मात्रा में गुणवत्तापूर्ण भोजन जो है मिल रहा हो और लोगों के पास उस भोजन को खरीदने की क्रय शक्ति हो। कहने का मतलब इसमें पांच बातें निकल करके जो सामने आती हैं। नंबर एक की इसमें जो है सभी लोगों को जो है शामिल होना है, सभी लोगों के लिए यह होना चाहिए और हर समय होना चाहिए। ये नहीं कि किसी साल में दो महीने मिल जाए और अन्य समय में इसे न मिल पाए। इसी तरीके से मात्रा पर्याप्त होना चाहिए, उसकी गुणवत्ता होनी चाहिए, और इसके साथ जो है सामर्थ्य होनी चाहिए। सामर्थ्य भी होना चाहिए। कहने का मतलब यह है कि अगर इनमें से जो है कोई भी जो है एक पॉइंट नहीं है, जैसे सभी लोगों को नहीं मिल रहा है तो देश खाद्य सुरक्षा की स्थिति में नहीं है। अगर हर समय नहीं मिल रहा है, कहने का मतलब यह कि कुछ लोगों को मिल गया और सभी लोगों को नहीं मिला तो भी समस्या है, और साल के दो महीने, तीन महीने नहीं मिलता है या दो तीन महीने मिलता है, शेष सात आठ महीने नहीं मिलता तो भी नहीं होगा। मात्रा अगर पर्याप्त नहीं है, कुछ ही मिल रहा तो भी नहीं, गुणवत्तापूर्ण नहीं मिल रहा तो भी नहीं होगा। और ये सारी चीजें होने के बावजूद भी अगर व्यक्ति के पास क्रय शक्ति ही नहीं है तो पूरे देश में खाद्यान्न होने की कोई जो है उसका अर्थ नहीं है, क्योंकि खाद्यान्न होने के बावजूद भी व्यक्ति अपनी आवश्यकता को पूरी करने के लिए उसको क्रय नहीं कर पा रहा। ऐसी स्थिति में इन सभी बातों का होना आवश्यक है, और ये सारी बातें जो है पूरी होने के बाद ही देश में खाद्य सुरक्षा की स्थिति को जो है स्पष्ट कर पाती हैं। तो कुल मिलाकर के खाद्य सुरक्षा का भाव आप लोगों को ये चीज समझ में आ गई। खाद्य सुरक्षा मात्रा से यहां पर एक शब्द और स्पष्ट कर लेना है। मात्रा एक तो जो वर्तमान की व्यवस्था हो जाती है और दूसरी व्यवस्था हो जाती है बफर। बफर का तात्पर्य है कि भविष्य में किसी भी प्रकार के आकस्मिक स्थिति से निपटने के लिए इतना भंडार होना चाहिए कि देश के समस्त जनसंख्या को कुछ निश्चित समय के लिए खिलाया जाना संभव हो सके, कि ये देश के सामने कोई आपदा, प्राकृतिक आपदाएं आती रहती है, यदि कोई ऐसा आ जाए तो हम उस स्टॉक से जो लोगों की आवश्यकता को पूरा कर सकें। तो कुल मिलाकर के खाद्य सुरक्षा का तात्पर्य शायद आप लोगों ने समझ लिया होगा कि खाद्य सुरक्षा देश के समक्ष एक ऐसी स्थिति है जिसमें देश के सभी लोगों के लिए प्रत्येक समय में इतनी मात्रा की गुणवत्तापूर्ण खाद्यान्न उपलब्ध होता है
तथा लोगों के पास उसे खरीदने का जो है समर्थ सामर्थ्य होता है जिससे कि उनकी आवश्यकता को पूरा किया जा सके, तो वह स्थिति ही खाद्य सुरक्षा कहलाती है। अभी हम ये देखेंगे कि खाद्य सुरक्षा की समस्या भारत में जो है वर्तमान में विद्यमान रही है, इसमें सुधार हुआ है, लेकिन अभी भी पूरी तरीके से समस्या समाप्त नहीं हो पाई है। कारण को भी जानने का प्रयास करेंगे। भारत में अगर भूमि देखा जाए तो पूरे विश्व का जो है 2.4% जो है क्षेत्रफल यहाँ भारत में विद्यमान है। यद्यपि जनसंख्या के मामले में पूरी दुनिया में दूसरे स्थान पर है, लेकिन फिर भी इतनी जमीन है कि यदि इसमें पर्याप्त मात्रा में जो है खेती किया जाए, सही तरीके से खेती किया जाए, उसका भंडारण किया जाए, उसका ट्रांसपोर्टेशन किया जाए और लोगों की जो आय को अगर बढ़ाने के लिए प्रयास किया जाए, तो निश्चित तौर पर इनकी आवश्यकता को पूरा किया जाना संभव हो पाएगा। लेकिन देश में कहीं ना कहीं इन चेन में, इन श्रृंखला में समस्याएं हैं, जिसके कारण से जो समस्याएं कुछ ना कुछ बनी रही हैं। अब जैसे उत्पादन किसी समय पर अगर हो गया, यहां पर लोग हैं, ये खाद्यान्न को जो है यहां पे जो है नहीं भेजा गया, तो निश्चित तौर पर ये लोगों के पास पैसा होने के बावजूद भी जो है ये इसको खरीद नहीं पाएंगे। इसी तरीके से खाद्यान्न सीजनल होता है। जैसे अगर हम गेहूं और चावल के दो फसलों को देखा जाए तो ये 6-6 महीने के अंतराल पर हैं, अर्थात जिस सीजन में उसका उत्पादन हो रहा है उसमें तो उसकी जरूरतें पूरी हो जाएंगी, लेकिन हमारे पास इसके लिए जो है पर्याप्त भंडारण की भी जो व्यवस्था होनी चाहिए, स्टोरेज जिसको कहा जाता है, स्टोरेज के लिए हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर होने चाहिए, गोडाउन होने चाहिए, तभी हम जो है इसको गुणवत्तापूर्ण ढंग से जो है बना पाने में सक्षम हो पाएंगे। आज भी किसानों के पास, सरकार के पास कहीं ना कहीं इस बात की जो समस्या उत्पन्न होती है, खाद्य विभाग के पास, भारतीय खाद्य निगम के पास इस तरीके की सीजनल जो है सामान्य स्थिति में तो रखने के लिए जो पर्याप्त मात्रा में भंडारण डिपो होते हैं, परंतु जब सीजन उसका होता है कि गेहूं की खरीद कितने मीट्रिक टन हो रहे हैं, एक लिमिट तक पहुंच रहा है, तो उस समय हमारे पास भंडारण की समस्या जो है बनी रहती है। इसलिए गुणवत्तापूर्ण खाद्यान्न को भी हम नहीं बचा पाते हैं। और कई बार आप लोगों ने यह देखा होगा कि खाद्यान्न जो है गोदामों में सड़ गया। इसी संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट का भी जो एक निर्देश था सरकार के लिए कि गोदाम में खाद्यान्न सड़ रहा है तो उसको गरीबों में क्यों ना निःशुल्क वितरित कर दिया जाए। तो कुल मिलाकर के यहां पर ये समस्याएं हैं कि देश में जो भूमि का जो है पूरा उपयोग नहीं हो पा रहा, एक समस्या है, क्योंकि भारत में जो है कृषि जो है मानसून का जुआ बना हुआ, लगभग अभी तक देखा जाए तो 56% भाग पर जो है खेती मानसून के भरोसे किया जाता है और वहां पर सिंचाई नहीं हो पाती, तो उत्पादन की मात्रा वहां प्रभावित होती है, जो भी कहीं ना कहीं खाद्य सुरक्षा के लिए हमारे समक्ष समस्या है। यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन की कोई सिस्टम नहीं है, भंडारण की जो है कोई समस्या नहीं है, और तीसरा क्रय शक्ति की भी समस्या है। भारत में क्रय शक्ति की भी समस्या है कि जो बेरोजगार है उसके पास इतना आय और इनकम नहीं है जो कि गुणवत्ता पूर्ण ढंग से जो है पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न को क्रय कर सके। औपनिवेशिक शासन काल की जो नीतियां कुछ रही हैं जिनके कारण से भी भारत गरीब रहा, और निर्धनता भी जो है कुपोषण के लिए सबसे बड़ा जो है एक कारण भारत में जो विद्यमान रहा है। तो कुल मिलाकर के ये सारी जो समस्याएं हैं जो कारण के रूप में बनी हुई है, जब सरकार के द्वारा लक्षित कार्यक्रम चलाए रहे हैं, आर्थिक विकास को बढ़ाने के लिए बल दिया जा रहा है, जिससे आने वाले समय में इस समस्या से निजात पाने में आसानी होगी। इससे अगर प्रभावित वर्ग देखा जाए, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने ये चीज देखा हुआ था कि विभिन्न प्रकार के समूह होते हैं, जैसे सामाजिक समूह, आर्थिक समूह और पारिवारिक समूह। पारिवारिक समूह, इन सभी समूहों में जो है अगर हम सामाजिक समूह को देखें तो अनुसूचित जाति और जनजाति की स्थिति इस मामले में जो है खाद्य सुरक्षा से जो है कवरेज उनको नहीं हो पाता है, यानी कि वो कुपोषण और भूखमरी का जो है शिकार हो जाते हैं। कुपोषण यानी कि गुणवत्तापूर्ण खाद्यान्न भी नहीं मिलता, और भूखमरी का तात्पर्य होता है कि उनको पर्याप्त मात्रा में भोजन नहीं मिलता है। तो अनुसूचित जाति और जनजाति तथा पिछड़े हुए वर्गों में भी कुछ निचली जातियां जो है इस दायरे में जो आती हैं कि वो खाद्य सुरक्षा से जो है कवर नहीं हो पाती है। आर्थिक समूहों में बात किया जाए तो आर्थिक समूहों में भूमिहीन
किसान, श्रमिक और इसी के साथ में शहरों में जो रहने वाले बेरोजगार लोग, मलिन बस्ती में रहने वाले लोग इसके दायरे में जो आते हैं। पारिवारिक समूह में देखा जाए तो महिलाएं, बुजुर्ग, ये लोग सबसे ज्यादा प्रभावित हैं, क्योंकि महिलाएं अपने स्वास्थ्य को लेकर के ध्यान नहीं दे पाती हैं, तो कहीं ना कहीं वो अपने स्वास्थ्य को लेकर के जो है जागरूकता नहीं होती है, या समय नहीं होता है, या उनके पास अपने आय के स्रोत नहीं होते हैं। इसी तरीके से बुजुर्ग भी हैं, क्योंकि उनके भी पास आय के स्रोत नहीं होते, उनको देखभाल करने वाले लोग पर्याप्त मात्रा में नहीं है। यद्यपि एक्सेप्शनल भी होता है कि कुछ लोगों की देखभाल भी होती है, लेकिन ऐसे बुजुर्ग जिनके आय का स्रोत नहीं होता है, जो सर्विस में नहीं, जिनके पेंशन की व्यवस्था नहीं है, वो कहीं ना कहीं इससे जो है प्रभावित होते हैं। तो ये सारे जो है कारण है, और ये सारे जो है वर्ग हैं, समूह हैं, जो कहीं ना कहीं जो है खाद्य सुरक्षा से जो है दुष्प्रभावित हैं। अगर आवश्यकता को देखा जाए कि खाद्य सुरक्षा की इतनी चर्चा होती है, इतनी जो है मीटिंग सम्मेलन होते हैं, तो इसकी आवश्यकता क्यों? खाद्य सुरक्षा व्यक्ति के स्वास्थ्य को सुनिश्चित करता है, उसके जीवन प्रत्याशा को बढ़ाता है, उसके काम करने की क्षमता को बढ़ाता है, और जब व्यक्ति काम करने की क्षमता को प्राप्त करता है, काम करने के योग्य होता है, तभी तभी वो अपने पूरी क्षमता का प्रयोग किसी उत्पादन की प्रक्रिया में दे सकता है, किसी सेवा में दे सकता है, किसी विनिर्माण के क्षेत्र में दे सकता है, उससे उसका आय बढ़ सकता है, देश की GDP बढ़ सकती है, यानी कि पूरी की पूरी आर्थिक समृद्धि को जो है वो बढ़ाने में सक्षम हो जाता है। अदरवाइज अगर वो सुस्त नहीं है, तो उसके काफ़ी कुछ पैसे जो है मेडिकल सेक्टर में जो खर्च हो जाएंगे, हेल्थ पर खर्च होंगे, और वो जब बहुत ही सुदृढ़ सक्षम नहीं होगा, तो अपनी क्षमता का पूरा प्रयोग नहीं कर पाएगा। तो दोहरी तरीके से जो है वो देश के समक्ष जो है समस्याएं जो है क्रिएट करेगी, कि ना ही जो है उसे किसी अच्छे उद्योग में, अच्छे फॉर्म्स में, अच्छे सेवा में जो है सर्विसेज मिलेगी, और दूसरी तरफ सरकार को स्वास्थ्य जैसे जो है कार्यों में अपना ज़्यादा धन खर्च करना पड़ेगा। इन दोनों ही बात को ध्यान में रखते हुए ये सरकार के समक्ष भी एक चुनौती है, और देश की जनता के लिए जो प्रयास करने का एक जो विषय है कि दोनों ही स्तरों पर इसे से निपटने के लिए प्रयास होना चाहिए। तो ये बातें रही जो है आवश्यकता के संदर्भ में। अब हम ये देखने का प्रयास करेंगे कि अभी तक प्रयास क्या किए गए हैं। भारत में जो है कुपोषण और भूखमरी को दूर करके खाद्य सुरक्षा की भावना को सुनिश्चित करने के लिए जो है प्रारंभ से ही जो है अगर देखा जाए तो पहली पंचवर्षीय योजना से ही कृषि पर जो व्यापक जोर दिया गया, दूसरे में जो है कृषि के साथ उद्योगों को भी जो है महत्वपूर्ण स्थान पे रखा गया। हरित क्रांति इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो है पहल रहा है। 1966 और 67 में जो है प्रारंभ किया गया हरित क्रांति सबसे महत्वपूर्ण कदम था। MS स्वामीनाथन के द्वारा देश में जो है इसको लाया गया। गेहूं की कुछ प्रजातियां लाई गई। नारवणी बोरलाख ने जो है, जो कि हरित क्रांति के वैश्विक स्तर के जनक हैं, उनके अनुकरण करते हुए उनके पहल और उनके शोध के कार्यों को भारत में अपनाने का प्रयास किया गया। इससे काफी कुछ परिवर्तन हुआ, और देश जो है उसके आने वाले समय में आत्मनिर्भर भी खाद्यान्न के मामले में हो गया। क्योंकि इसके पहले भारत दुनिया के अलग अलग देशों से खाद्यान्न आयात करता था, जैसे PL 400C योजनाएं होती थी, अमेरिका से अनाज या दालों का जो है वो आयात करता था, लेकिन इसके बाद के दशकों में आत्मनिर्भर होता हुआ दिखाई पड़ता है। कुछ एक्सेप्शनल अपवादी फसलों को अगर छोड़ दिया जाए तो भारत आत्मनिर्भर यहाँ पे हो गया था। तो यहाँ पे एक जो हरित क्रांति के फायदे थे वो तो था कि उत्पादन में वृद्धि हुई, देश आत्मनिर्भर हुआ, लेकिन इसके तीन महत्वपूर्ण जो है समस्याएं भी थी। समस्याएं ये थी कि एक तो क्षेत्र के आधार पर, कि इसमें जो कुछ ही क्षेत्रों को लाभ प्राप्त हुआ, जैसे पश्चिम के जो प्रदेश हैं, चाहे वो हरियाणा हो, पंजाब हो, पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो, उनको लाभ प्राप्त हुआ। दूसरी तरफ बड़े किसानों को इसमें लाभ हुआ, सीमांत किसान या छोटे किसानों को इसमें जो है फायदा नहीं हो पाया। कुछ फसलों को ही इसमें जो है लाभ मिला, जैसे धान, गेहूं और मोटे अनाज। बाकी अन्य फसलें जो है, दलहनी तिलहनी फसलें, जिनकी भी आवश्यकता बहुत महत्वपूर्ण होती है, और सब प्रोटीन के लिए जो है और कुपोषण को दूर करने के लिए, इन सारे जो है फसलों का उत्पादन बहुत ज्यादा जो प्रभावित नहीं हो पाया। तो कहीं ना कहीं हरित क्रांति हमें आत्मनिर्भर तो बनाया, लेकिन खाद्य सुरक्षा
के लिए हमें भुखमरी और कुपोषण से पूरी तरीके से दूर नहीं कर पाए। इसीलिए वर्तमान समय में द्वितीय हरित क्रांति या इंद्रधनुषी क्रांति की बात की जाती है, जो सभी प्रकार के फसलों को कवर करने का जो प्रयास करता है। तो ये बातें रही जो हरित क्रांति के लिए सरकार ने जो इस स्तर पर प्रयास किया। अगर हम योजनाओं की बात करें कि ये तो सरकार ने प्रयास किया और दूसरी जो है लक्षित वर्ग के लिए योजनाएं जो बनाई गई, तो इसके संदर्भ में हम देखेंगे कि एक तो है बफर स्टॉक। अभी इसके पूर्व में हम लोगों ने इस शब्द का जो है चर्चा किया था। बफर स्टॉक एक ऐसी व्यवस्था होती है जिसमें देश के समक्ष उत्पन्न होने वाले भविष्य के किसी भी प्रकार के जो संकट और आपदा से निपटने के लिए खाद्यान्न की एक निश्चित मात्रा का भंडारण किया जाता है, जिससे उन लोगों की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके जहां या जिनको आपदा के समय में खाद्यान्न प्राप्त नहीं हो पा रहा है। इसे कहा जाता है बफर स्टॉक। भारत में अगर देखा जाए तो बेसिकली यह कार्य भारतीय खाद्य निगम फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया FCI को यह कार्य दिया गया था कि FCI जो है भंडारण और बफर स्टॉक की व्यवस्था रखे। यद्यपि बाद में इसने अपने कार्यों को और ज्यादा व्यापक किया और प्रोक्योरमेंट यानी कि खरीद का भी जो है कार्य संपादित करता है और उसका भंडारण करता है और विभिन्न प्रकार के जो है योजनाओं के अंतर्गत वह उन खाद्यान्नों का निर्गमन करता है। तो इस तरीके से खरीद भंडार और निर्गमन का कार्य जो गुणवत्तापूर्ण ढंग से सुनिश्चित करने का कार्य भारत में FCI के जो पास है और बफर स्टॉक करने का भी जो है कार्य जो है इसी के पास है, जो कि मूल कार्य इसका यही था। यद्यपि इसने अपने जो है कार्य अपने स्टाफ की गुणवत्ता, इसके पास क्वालिटी इंस्पेक्टर्स होते हैं जो खाद्यान्न की गुणवत्ता को सुनिश्चित करते हुए भंडारण करते हैं और आवश्यकता अनुसार उसका निर्गमन करते हैं। यहाँ पे तीन प्रकार के मूल्यों को भी हम देखना चाहेंगे शॉर्ट में जो है। MSP, PP और IP, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। फसल के उत्पादन के पूर्व ही सरकार किसानों को यह बता देती है कि हम इस खाद्यान्न का ये न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करते हैं और खाद्यान्न को इस कीमत पर न्यूनतम हम खरीद लेंगे। ये व्यवस्था जो है MSP कहलाती है। इससे किसानों में एक जो विश्वास का भाव उत्पन्न होता है और वो ये संतुष्टि के साथ जो है काम करते हैं कि हमें मिनिमम इतना जो है खाद्यान्न, इतना खाद्यान्न का मूल्य प्राप्त हो जाएगा। प्रोक्योरमेंट प्राइस जो होता है, वसूली मूल्य जिसको कहा जाता है, प्रोक्योरमेंट प्राइस जो होता है वसूली मूल्य होता है या खरीद मूल्य, तो ये अगर इसके वेरिएशन पर निर्भर करता है कि अगर मार्केट का जो रेट है वो MSP से कम है तो सरकार MSP यानी कि मार्केट से ज्यादा पैसा देकर के ले लेगी, लेकिन अगर जो मार्केट का रेट जो बढ़ भी जाता है तो सरकार जो प्रोक्योरमेंट प्राइस में कुछ बोनस देकर के खाद्यान्न खरीद देती ताकि किसानों को किसी प्रकार का नुकसान ना हो। इसलिए जो प्रोक्योरमेंट प्राइस है वो इससे MSP से जो है सामान्यता तो ज्यादा ही होता है, क्योंकि अगर मार्केट का रेट कम हो जाता है तब तो इसमें खरीद ही लेती है और अगर कम होता है, मार्केट का रेट जो है कम होता है तो ये इस पे खरीद लेती है और मार्केट का रेट ज्यादा होता है तो वह यहाँ पे बोनस देकर के जो है प्रोक्योरमेंट खरीद लेती है जो है, यानी कि किसानों का खाद्यान्न इसके अंतर्गत जो है प्रोक्योरमेंट प्राइस के अंतर्गत खरीद लिया जाता है। ये होता है इशू प्राइस, इसको निर्गम मूल्य कहा जाता है। निर्गम मूल्य का तात्पर्य होता है कि विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत सरकार जो है अपने लक्षित वर्ग तक खाद्यान्न को सस्ती दरों पर जो है दे देता है और उसके बीच का जो अंतर मूल्य होता है वो सरकार जो है भारतीय खाद्य निगम को सब्सिडी के रूप में जो है देना सुनिश्चित करता है। तो ये पूरी व्यवस्था होती है MSP यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस, वसूली कीमत हो जाती है और जो है ये होता है निर्गमन मूल्य या निर्गम प्राइस, निर्गम मूल्य होता है। तो इस तीन प्रकार के महत्वपूर्ण मूल्य होते हैं जो FCI से जो संबंधित होते हैं। अगला जो सबसे इंपॉर्टेंट सरकार का जो है कार्यक्रम है वो सार्वजनिक वितरण प्रणाली है। सार्वजनिक जो है वितरण प्रणाली, ये जिसको पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम PDS के नाम से भी जाना जाता है, इसको जो है PDS के नाम से भी जाना जाता है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। यद्यपि ये व्यवस्था स्वतंत्रता के तत्काल बाद से ही प्रारंभ कर दिया गया था उन लोगों के लिए जो समाज में सबसे निचले स्तर पर हैं। समय समय पर इसकी योजनाओं में काफी कुछ परिवर्तन भी दिखाई पड़ता है और प्रारंभ में 1952 ईस्वी में ही इसे प्रारंभ कर दिया गया था। 1992 ईस्वी में
सार्वजनिक वितरण प्रणाली को लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली कर दिया गया, इसमें कुछ परिवर्तन किए गए, कुछ कवरेज बढ़ाया गया, और 1997 ईस्वी में लक्षित सार्वजनिक नवीनीकृत सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ कर दिया गया। इसके अंतर्गत कुछ पहाड़ी क्षेत्रों के लिए अलग से कुछ जो है अमाउंट जो है निर्धारित किया गया, कुछ और सरल बनाया गया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसमें कवर किया जा सके। महत्वपूर्ण 2000 ईस्वी में अंत्योदय अन्न योजना AAY के नाम से जो प्रारंभ किया गया, जो कि वर्तमान की सार्वजनिक वितरण प्रणाली में भी अभी विद्यमान है। इसके अंतर्गत लक्षित जो है समूहों, पात्र समूहों को 25 किलोग्राम खाद्यान्न उपलब्ध करवाया जाता था, जिसे 2002 ईस्वी में ला करके 35 किलोग्राम प्रति जो है परिवार कर दिया गया, और 2003 और 2004 में क्रमशः 50-50 लाख और लोगों को इसमें जो शामिल करके जो है BPL जो है बिलो प्रॉपर्टी लाइन को भी लाने का प्रयास किया गया, इसके दायरे को जो है ज़्यादा आगे बढ़ाया जा सके। तो BPL योजना भी 2003 ईस्वी में बनाई गई थी, लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो परिवर्तन आया वो 2013 में आया। 2013 ईस्वी में आया राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, जिसे 1/4/2016 से लागू कर दिया गया। इसमें दो प्रकार की योजनाएं अभी वर्तमान समय में जो है लागू हैं, एक तो अंत्योदय अन्न योजना जो कि लक्षित पात्र समूह होते हैं, अत्यंत गरीब किस्म के लोग इसमें आते हैं, और दूसरा PHH यानी कि प्रायोरिटी हाउस होल्ड पात्र गृहस्थी योजना जिसको कहा जाता है, इसमें उनसे ऊपर के लोगों को शामिल किया गया है। और इन दोनों ही योजनाओं के अंतर्गत जो देश की लगभग 67% जनसंख्या को कवर करने का जो प्रयास किया गया है, 50% जो है शहरी और 75% जो है ग्रामीण, यानी कि टोटल का जो है लगभग 67% जनसंख्या को कवर करने का जो इसी के अंतर्गत प्रयास किया गया है। और इन 67% जनसंख्या को अंत्योदय अन्न योजना और प्रायोरिटी हाउस होल्ड यानी कि PHH योजना के अंतर्गत जो खाद्यान्न उपलब्ध करवाया जा रहा है, सरकार अत्यंत ही सस्ती दरों पर यानी कि 2 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से जो गेहूँ और 3 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से चावल उन्हें उपलब्ध करवाता है। और इसके माध्यम से सरकार ने जो है निचले स्तर पर कुपोषण, भूखमरी को दूर करके खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने का जो है प्रयास कर रहा है। तो निश्चित तौर पर इसे काफ़ी कुछ फायदे मिले हैं, काफ़ी कुछ लोगों के पास उनके घरों में जो है चूल्हा जलाने के लिए जो खाद्यान्न उपलब्ध हो पा रहा है। यद्यपि इसमें और भी प्रयास करने की ज़रूरत है, लेकिन जिस तरीके से जो है प्रगति हुई है, जिस तरीके से लोग अभी जागरूक हो रहे हैं, मुझे पूरा उम्मीद है कि आने वाले समय में हम जो है भूखमरी और कुपोषण से जो है अपने आप को बचा करके खाद्य सुरक्षा के जो है उस छत्र छाया में आ सकेंगे, जिस जो पुण्य कार्य को प्राप्त करने के लिए सरकार लगातार जो है प्रयास कर रही है। तो आज के इस लेक्चर में जो है हम लोग कक्षा 9 के NCERT के इकोनॉमिक्स के सभी जो है अध्याय को जो पूरा करते हैं। पुनः जल्द ही हम अगले क्लास को जो प्रारंभ करेंगे, आप इन अध्यायों का बेहतर ढंग से जो है कॉन्सेप्चुअल ढंग से कहानी के रूप में जो पढ़ने का प्रयास कीजिए, अपनी समझ को बढ़ाने का जो प्रयास कीजिए, और एग्जाम के लिए अपने में आत्मविश्वास पैदा करने का प्रयास कीजिए। उम्मीद करता हूँ कि ये टॉपिक आप लोगों को समझ में आया होगा। जल्द ही अगले लेक्चर में हम अगले टॉपिक के साथ आप लोगों से मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।